हेलो फ्रेंड्स, वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन चैनल पर आपको ऑल कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ट्रिपल सी, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, कोरियर ड्रो, फोटोशॉप और टेलीप्राइम आज की 1x1 क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है bkcigrnoda20@gmail.com। और फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में करने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन चैनल पर ट्रिपल सी का ऑल सिलेबस चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 और 9 और लिब्रा ऑफिस के सभी सिलेबस के जो भी क्वेश्चंस हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। तो 1x1 आप वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप 1x1 वीडियो देख सकते हैं। और जो फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स जो बेसिक एक्सेल से लेकर के एडवांस सीखना चाहते हैं या बेसिक टैली से लेकर के एडवांस टैली प्राइम अकाउंट सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के इनके सभी के लिंक आपको इस वीडियो मिल जाएंगे, वहां से जाकर के 1x1 वीडियो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कि एक्सेल में किस तरीके से हम फैक्ट, इवन और ऑड फॉर्मूले को यूज करते हैं और किस तरीके से ये फॉर्मूले फैक्ट, इवन और ऑड किस तरीके से एक्सेल में वर्क करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एक्सेल को ओपन करते हैं। ये एक्सेल आपके सामने ओपन है, तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर फैक्ट, इवन और ऑड ये तीन फॉर्मूले इस वीडियो में हम समझेंगे। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, फैक्ट, इवन और ऑड। तो चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर हमने 2, 4, 3, 5 ये कुछ हमने नंबर यहां पर लिख दिए हैं, और भी चलिए कोई नंबर लिख लेते हैं, 7, 5, 5 डबल हो गया, यहां से ये डिलीट कर देते हैं, 8, ये कुछ नंबर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये कुछ नंबर यहां पर हमने टाइप कर दिए हैं। तो सबसे पहले चलिए फैक्ट क्या होता है। फैक्ट यानी फैक्टर यानी गुणनखंड। तो देखिए, अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं इक्वल टू FACT फैक्ट, और यहां पर जैसी ब्रैकेट लगाते हैं ये पूरा नंबर सेलेक्ट करिए, तो जैसे नंबर सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर हम इंटर दबाएंगे, तो इसका आंसर मतलब 2 का अगर हम फैक्टर करते हैं, फैक्ट करते हैं, तो यहां पर 2 आता है। तो इसी तरीके से अगर हम ड्रैग करते हैं तो देखिएगा ये यहां पर सभी नंबर आपके ये देखिए आ जाते हैं। अब जैसे एक बार फिर देखिएगा, मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं, जैसे एक बार फिर देखिएगा, इक्वल टू यानी बराबर का साइन, FACT ब्रैकेट लगाएंगे, और यहां पर जैसे थ्री पर नंबर पर क्लिक करेंगे, और यहां पर जैसे ही इंटर दबाएंगे, देखिए यहां पर आपका ये 6 आ गया। अब ये किस तरीके से आया, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जैसे 2 आंसर है, यहां पर 2 कैसे आया, तो 2 के अगर हम ऑल फैक्टर करते हैं तो 1 × 2 बन जाए, 2 आ गया। अगर हम 4 के करते हैं तो 1 × 2 × 3 × 4, तो आपका हो गया 1, यहां हो गया 2, यहां हो गया 3, और यहां हो गया आपका 4। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, 2 का 3 में करेंगे 6, और 6 का 4 में करेंगे 24। इसी तरीके से अगर हम 3 की बात करें तो 1, 2 और 3, अब इनका तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिएगा 1, 2 + 2 और 2, 3 = 6। तो इस तरीके से हम फैक्ट फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे हम देखते हैं इवन और ऑड। तो देखिए, अगर यहां पर हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, बराबर का साइन लगाते हैं, और यहां पर इवन का फॉर्मूला यूज करते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं,
तो इवन का अब कोई नंबर, जब हम इवन का फ्रेंड्स का ध्यान देंगे, जब इवन का फॉर्मूला लगाएंगे तो और नंबर हम सेलेक्ट करेंगे, और जब ऑड का फॉर्मूला लगाएंगे तो इवन नंबर सेलेक्ट करेंगे। मींस प्रैक्टिकली समझते हैं, मान लीजिए हम ये जानना चाहते हैं कि तीन के बाद कौन सा इवन नंबर आएगा, तो यहाँ पर हम तीन पर क्लिक करेंगे, या तीन लिख भी सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर इंटर दबाएंगे तो देखिए फोर आएगा। तो मींस जब हम इवन का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम ऑड नंबर लेंगे, और जब ऑड का लगाएंगे तो देखिए इक्वल टू ऑड। तो यहाँ पर हम जैसे ही यहाँ पर हम देखिए अब ये आगे नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑड, तो इवन नंबर लेंगे, इवन क्या जैसे एट है, तो एट से आगे ऑड क्या आएगा, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, एट हम लिख भी सकते हैं, तो यहाँ पर इंटर दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए नाइन आएगा। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे एक बार फिर समझिएगा, इवन लिया, ब्रैकेट लगाया, और जैसे यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए 11 ले, मतलब यहाँ पर 16 लेते हैं, 16 नहीं ले सकते, तो इवन है तो ऑड लेंगे, मतलब 13 लेंगे, तो इसके बाद इसका आंसर 14 आएगा, क्योंकि 13 के बाद कौन सा इवन नंबर आएगा, तो देखिए यहाँ पर 14 आएगा। एक बार फिर समझिएगा, यहाँ पर मान लीजिए ऑड लेगा, तो यहाँ पर हमें इवन नंबर सेलेक्ट करना, मान लीजिए 16 के बाद कौन सा ये ऑड नंबर आएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका 17 आएगा। मीन्स इस तरीके से इवन और ऑड का हम यूज करते हैं। इवन मीन्स क्या होता है, इवन यानी सम संख्या है, मतलब बे संख्या है, जिसमें जो दो से विभाजित हो जाती है, दो से डिवाइड हम कर सकते हैं जिन संख्याओं को, जिस संख्या में दो का भाग चला जाता है वो आपकी इवन यानी वो आपकी सम संख्या होती है। तो सम संख्या की डेफिनेशन क्या हुई, यानी इवन संख्या की डेफिनेशन क्या हुई, कि बे संख्या है जो दो से डिवाइड यानी दो से विभाजित हो सकती है वो सम संख्या होती है। और इसके बाद अगर हम बात करें विषम संख्या की, मतलब ऑड नंबर की, तो वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होते हैं उन्हें हम ऑड यानी विषम संख्या कहते हैं। तो आप यहाँ पर यह भी समझ गए कि इवन संख्या यानी सम संख्या, ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।